अल्टरनेटिंग करंट की डेरिवेशन करेंगे। जो इसमें मेन टॉपिक है वो कौन कौन से है, पहले एसी सोर्स को हम किससे कनेक्ट करेंगे, एसी सोर्स कनेक्टिंग टू रेजिस्टेंस, किससे कनेक्ट होएगा, रेजिस्टेंस से, ठीक है। फिर एसी सोर्स किससे कनेक्ट होएगा, कैपेसिटर से, किससे कनेक्ट होएगा, कैपेसिटर से। फिर किससे कनेक्ट होएगा, इंडक्टर से। ये तो क्या हो गया, ये तीनों क्या है, अलग अलग रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, अलग अलग। पहले एसी सोर्स किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस से। फिर एसी सोर्स किससे कनेक्ट होएगा, कैपेसिटर से। फिर एसी सोर्स किससे कनेक्ट होएगा, इंडक्टर से। फिर क्या करेंगे हम, एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे सीरीज एलसीआर से, किससे, सीरीज एलसीआर, मतलब कि तीनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। एल का मतलब क्या होता है, इंडक्टर, सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर, आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, एल सी आर। एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब रेजिस्टेंस। किसमें कनेक्ट करना है, सीरीज में। किसमें कनेक्ट करना है, सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर। ये हमारा क्या हो गया, इंडक्टर। इनको किससे कनेक्ट कर देना है, एसी सोर्स से। किससे सोर्स से, एसी सोर्स। एसी सोर्स का सिंबल क्या होता है, ये वोल्टेज कितनी होती है, V इज इक्वल टू में V नॉट साइन ओमेगा टी, और कई जगह लिखा रहता है V इज इक्वल टू में Vm साइन ओमेगा टी। V नॉट और Vm का मतलब क्या है, सेम है। V नॉट और Vm का मतलब क्या है, सेम मतलब है, क्या मतलब, V नॉट और Vm का मतलब होता है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू। तो यहाँ पे V नॉट से भी नोट कर सकता हूँ, और मैं किससे नोट कर सकता हूँ, Vm से भी, ठीक है। ये चार डेरिवेशन करेंगे। इसके बाद तुम्हारा क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस के तुम्हारे बाद क्या है, क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर है, और क्या है, पावर फैक्टर है, और ट्रांसफॉर्मर। ये तुम्हारे इसी चैप्टर के टॉपिक्स है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में दो स्टेप, अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, बात समझ आई, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कनेक्ट करते हैं, पहला डेरिवेशन करते हैं, जब एसी सोर्स, कौन सा सोर्स, एसी सोर्स कनेक्टिंग टू रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग टू रेजिस्टेंस, एसी सोर्स किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ये बैटरी कितने वोल्टेज की लगा दी, V वोल्टेज की, नहीं क्या लगाना था, एसी सोर्स लगाना है, क्या लगाना है, एसी सोर्स। अभी बताया आपको क्या करना है, एसी सोर्स को किससे कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस से। तो मैंने क्या लगाया, एसी सोर्स लगाया, एसी सोर्स का सिंबल अभी बताया था, इसको किससे कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस को कितना मान लिया, आर। कितना रेजिस्टेंस है इसका, आर। वोल्टेज कितनी होगी, वी इज इक्वल टू में वी एम साइन ओमेगा टी। वी इज इक्वल टू कितना आ गया, Vm sin omega t। हमने किससे कनेक्ट किया एसी सोर्स को, रेजिस्टेंस से। किससे कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस से। अब देखो ओम्स लॉ पता है आपको, ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू में आई आर। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यार मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। V की वैल्यू कितनी है, Vm sin ओमेगा t, V की जगह पुट कर दो, तो Vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। तो Vm बाय R को हम क्या बोलते हैं, Im। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Im sin ओमेगा t। मैं यहां लिख सकता हूं, मैंने Vm बाय R को क्या लिखा है, आई एम लिखा है। क्या लिखा है, आई एम। बात समझ आई, एसी सोर्स किससे कनेक्टेड था हमारा, रेजिस्टेंस से। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, वी बाय आर के। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू पुट कर दी, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। वी एम बाय आर को मैंने क्या मान लिया, आई एम। क्या मान लिया, आई एम।
आई बात समझ, इतनी सी समझ आई ना बात। आप ये पूछ रहे हो ना Vm by R को Im क्यों लिखा। अब R तो क्या है, सर्किट का क्या रहता है, कोई कंडक्टर लिया, मैंने कंडक्टर लिया, इसका R क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर V को मैंने पीक कर दिया तो Ip क्या हो जाएगा, पीक पे हो जाएगा। V आ गया, V कितना है, Vm sin omega t, ये तो गिवन ही था। I हमने निकाल लिया, I कितना आया, Im sin omega t, I की वैल्यू कितनी आ गई, Im sin omega t, yes or no? ठीक है, अब आगे देखो, तुम्हें पता है पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, मुझे निकालनी क्या है, मुझे निकालनी है एवरेज पावर, क्या निकालना है, एवरेज पावर। तो अभी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, कितनी निकाली है, आई एम साइन ओमेगा टी, तो इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इनटू में आर, तो ये कितना हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू में आर, ये देखो होल स्क्वायर है ना, तो आई एम का भी स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास, पावर का, किसका आ गया, पावर का, पर निकालनी क्या है मुझे, एवरेज पावर, क्या निकालनी है, एवरेज, तो एवरेज पावर का सिंबल होता है इसी, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एवरेज पावर, और क्या लिख सकता हूँ, पी के ऊपर मैं डंडा लगा दूं, इसका मतलब भी क्या है, एवरेज पावर, और क्या लिख सकता हूँ, पी ए वी जी ये लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, एवरेज पावर, क्या है, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, इधर ये डंडा लगाया है तो इधर भी ये लगाऊंगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, देखो आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट कॉन्स्टेंट रहेगी, आर क्या है, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगी, सारा क्या आ जाएगा, बाहर, तो आई एम स्क्वायर आर क्या आ गया, बाहर, तो एवरेज वैल्यू किसकी निकलेगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है, कितनी होती है, 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, तो एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, एवरेज पावर इज इक्वल टू में आई एम स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी थी, 1/2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसकी एवरेज पावर आ गई, जब एसी सोर्स किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस से, तो एसी सोर्स जब रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है तो उस केस में एवरेज पावर कितनी निकलती है, आई एम स्क्वायर आर बाय 2, राइट नाउ देखो एवरेज पावर का फॉर्मूला कितना आ गया, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर बाय 2, यस या नो। अगर मैं एवरेज पावर की सिंपली देखो तो एवरेज पावर होता है आई आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, क्या होता है, आई स्क्वायर आर एम आई स्क्वायर आर एम एस इंटू में आर, आर एम एस क्या होता है, आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो अब यहां से मैं कंपेयर करके कौन सा करंट निकालूंगा, RMS करंट निकालूंगा, कौन सा करंट निकालूंगा, RMS। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशन क्या करूं, कंपेयर करूं, तो एवरेज पावर की जगह एवरेज पावर, R की जगह R, तो I स्क्वायर RMS किसके इक्वल आ जाएगा, आई एम स्क्वायर बाय 2 के, I स्क्वायर RMS किसके इक्वल आ जाएगा, आई एम स्क्वायर बाय 2 के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू में आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आई आर एम एस कितना आ जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू में आई एम बाय रूट 2, आई आर एम एस कितना आ गया, आई एम बाय रूट 2। सिमिलरली वी आर एम एस कितना आएगा, वी आर एम एस भी कितना आएगा, वी एम बाय रूट 2, वी आर एम एस कितना आएगा, वी एम बाय रूट 2। तो एवरेज पावर का मैं फॉर्मूला और क्या लिख सकता हूँ, वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस, तो वी आर एम एस कितना है, वी एम बाय रूट 2, आई एन एम एस कितना है, आई एम बाय रूट 2, तो एवरेज पावर फॉर्मूला कितना आ गया, वी एम आई एम डिवाइडेड बाय 2, आई बात समझ में, भाई रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है,
टू। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी थी? वी आर एम एस की वैल्यू कितनी थी? वी एम बाय रूट टू। आई एन एम एस की वैल्यू कितनी थी? आई एम बाय रूट टू। दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरेज पावर कितना आ गया? वी एम आई एम डिवाइडेड बाय टू। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला कितना आ गया? इसमें देखो आई कितना निकला था, वी कितना था? वी एम साइन ओमेगा टी। आई कितना निकला था? आई एम साइन ओमेगा टी। एंड आई एम किसके इक्वल था? वी एम बाय आर के, यही था। आई एम किसके इक्वल था? वी एम बाय आर के। एंड आई आर एम एस किसके इक्वल निकला? आई एम बाय रूट टू के। वी आर एम एस किसके इक्वल निकला? वी एम बाय रूट टू के। और एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या निकला था? आई एम स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय टू, यही निकला था। ठीक है, अब देखो वोल्टेज कितनी है? वी एम साइन ओमेगा टी। आई भी कितना है? आई एम साइन ओमेगा टी। तो दोनों का एंगल क्या है? सेम। दोनों एंगल क्या है? सेम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो एंगल डिफरेंस है, जो एंगल क्या है? डिफरेंस, मतलब ये एंगल के बीच में कितना गैप है, तो दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। तो ओमेगा टी दूसरे का माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आ गया? जीरो। मतलब एंगल डिफरेंस कितना है यहाँ पे? जीरो। एंगल डिफरेंस का ही दूसरा नाम होता है, क्या बोलते हैं दूसरे नाम को? फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है? जीरो। या तो क्या बोल लो? एंगल डिफरेंस बोल लो, या क्या बोल लो? फेज डिफरेंस। एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस किस में देख रहे हैं? वी और आई में। वी कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी। आई कितना है? आई एम साइन। दोनों का एंगल क्या है? सेम। दोनों का एंगल सेम है, ओमेगा टी ओमेगा टी, तो दोनों का एंगल सेम है, तो एंगल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। अब देखो कंपेयर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे भी साइन था और यहाँ पे भी क्या था? साइन। अभी हम आगे डेरिवेशन करेंगे, वहां पे कोस आएगा, तो कोस को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन में, कंपेयर करने के लिए। तो एंगल डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना आ गया? जीरो। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं ग्राफ बनाना। क्या बनाना? ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? इधर देखो, V इज इक्वल टू कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू कितना है? आई एम साइन ओमेगा टी। यस या नो? तो पहले मैं V का बनाता हूं। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होएगा? जीरो से। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी एम, और ये कितनी हो जाएगी? माइनस का वी एम। यस या नो? ठीक है। आई क्या था? आई था वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। मतलब वोल्टेज को मैंने क्या किया था? आर से डिवाइड किया। तो कभी भी किसी चीज को डिवाइड करो तो वो वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। तो आई का ग्राफ कहां से स्टार्ट होएगा? स्टार्ट तो जीरो से ही होएगा, बट वो थोड़ा नीचे से आएगा ऐसे। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आई एम कितने एंगल पे होगी? पाई बाय टू पे। और ये कितनी हो जाएगी? माइनस आई एम। ये फिगर समझ आया नहीं आया? पक्का भाई? कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। समझाते वक्त लिख मत। आई एम हो गया, ये किसका हो गया? करंट का। ये किसका हो गया? वोल्टेज का। अब मैंने मान लिया, क्या मान लिया? किसी पॉइंट, ये लाइन क्या है? ओमेगा टी है। क्या है? ओमेगा टी। किसी ओमेगा टी वन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? किसी ओमेगा टी वन। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, डेट इज कॉल्ड ओमेगा टी वन, क्योंकि ओमेगा टी का ग्राफ तो लाइन थी है। तो मैंने किस बात कर रहा हूँ? किसी टाइम टी वन पे ओमेगा टी वन ले लिया। फिर आपको क्या करना है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ। तो वर्टिकल लाइन यहाँ कट कर रही है, और कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे। करंट को कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे। वोल्टेज कहाँ कट रही है? यहाँ पे। अब इसके ओमेगा टी के पैरेलल लाइन खींच लो। एक लाइन क्या आ गई? ये आ गई। एक लाइन क्या आ गई? ये आ गई।
यस या नो? पक्का? ठीक है। एंगल कितना था? ओमेगा टी। इसका भी एंगल कितना था? ओमेगा टी। तो मैं पहले ये लाइन किसकी है? ग्रीन वाली किसकी है? ग्रीन वाली किसकी है भाई ग्राफ? हाँ, करंट का। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींची, डेट इज एंगल कितना है? ओमेगा टी। ये क्या लिख दिया मैंने? आई। क्या लिख दिया? आई। वी के लिए एंगल कितना है? ओमेगा टी है, मतलब दोनों के लिए एंगल कितना है? ओमेगा टी वन ही तो है। तो ये वाली लाइन को मैं आगे ही एक्सपेंड कर दूंगा सेम जगह पे ही। तो ये कितना हो जाएगा? वी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी वन। एक मिनट को खुला लिख देता हूं। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसका है? आई का है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आई एम साइन ओमेगा टी वन। यस या नो? यहां से यहां तक किसका है? वोल्टेज का है। तो वोल्टेज को क्या लिख दूंगा? वी एम साइन ओमेगा टी वन। ओमेगा टी वन क्यों लिखा? क्योंकि जो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ कौन से पॉइंट पे बना रहा हूँ? ओमेगा टी वन पे। इस पूरे को ही क्या बोलते हैं हम? फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? पेपर में कंफर्म आएगा। अब ये रेजिस्टेंस का तो शायद नहीं आएगा, या तो कंडक्टर का पूछेगा या इंडक्टर का, और डेरिवेशन भी कंडक्टर इंडक्टर का कंफर्म आएगा। फेजर डायग्राम समझ आया? देखो ये पूरा रेजिस्टेंस खत्म हो गया। रेजिस्टेंस में हमने कहां से स्टार्ट किया था भाई? रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था। वोल्टेज कितनी थी? वी एम साइन ओमेगा टी। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी किसके बराबर होता है? आई आर के। तो आई किसके बराबर हो गया? वी बाय आर के। वी की वैल्यू पुट कर दी, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। वी एम बाय आर को मैंने क्या लिख लिया? आई एम। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया? आई एम साइन ओमेगा टी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर इनटू में आर। ठीक है, तो अब तुम्हारे को इसमें एक चीज समझ आई। हमें जितने भी डेरिवेशन करने हैं उसमें तीन चीजें निकालनी है। पहली चीज V और I में रिलेशन, दूसरी चीज एवरेज पावर, और तीसरी चीज फेजर डायग्राम। मतलब हम जो भी डेरिवेशन करेंगे अभी उसमें क्या क्या चीजें करेंगे? तीनों चीजें करेंगे। V एंड I में रिलेशन निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे, और फेजर डायग्राम बनाएंगे। किस किस का? एक केस रेजिस्टेंस वाला हो गया, और एक कौन सा हो गया? कैपेसिटर वाला, और एक कौन सा हो गया? इंडक्टर वाला। इसको जोट डाउन कर लो। देखो इधर एक बार, ये लाइन खींच दी, ये खींच दी, ये एक और खींच दी। ठीक है, किसका बना दिया? ये V का बना दिया, ये किसका बना दिया? I का बना दिया। ये क्या था? ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा? वी एम। ये क्या हो जाएगा? आई एम। किसी एंगल ओमेगा टी वन पे लाइन ड्रॉ कर दी ऊपर। ये किस पे कट कर रही है? आई पे। ये किस पे कट कर रही है? फिर इसके पैरेलल ओमेगा टी की लाइन खींच देनी है। ये किसका हो गया? यहाँ तक आई का एंगल कितना है? ओमेगा टी वन। यहाँ तक किसका हो गया? वी का एंगल कितना है? ओमेगा टी वन। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई एम साइन ओमेगा टी वन। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी एम साइन ओमेगा टी वन। बना लो ओमेगा टी वन। देखो हमें वी की वैल्यू गिवन होती है, निकालनी किसकी होती है? आई की। फिर हम उन दोनों का एंगल कंपेयर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल डिफरेंस और फेज डिफरेंस। फिर एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर निकालने के बाद क्या बना दिया? फेजर डायग्राम। ये क्या था? एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट केस क्या है? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। एसी वोल्टेज किससे अप्लाई हो रखी है? इंडक्टर से अप्लाई कर रखी है। किससे कर रखी है? इंडक्टर से। देखो ये कौन सा सोर्स हो गया? एसी वोल्टेज की वैल्यू V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। किससे कनेक्ट कर दिया? इंडक्टर से। किसे कनेक्ट कर दिया? इंडक्टर से। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है, ध्यान रखना, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? एल डी आई अपॉन में डी टी। कितनी होती है? एल डी आई अपॉन में डी टी। ये भी क्या है? वोल्टेज है, और ये भी क्या है? वोल्टेज है। तो दोनों वोल्टेज आपस में क्या होगी? सेम। क्या होगी? सेम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वी किसके इक्वल है? वी किसके इक्वल है? एल डी आई अपॉन में
डी टी। इंडक्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज होती है, कितनी होती है, एल डी आई बाई डी टी। एल की जगह वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू में एल डी आई अपॉन में डी टी। हमें निकालना क्या है, निकालना क्या होता है, करंट। क्या निकालना होता है, करंट मतलब आई। तो डी आई के अलावा सबको उधर भेज देता हूँ, तो डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी डी टी और एल मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन डी आई किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एल इंटू में डी टी। अब देखो डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई। इसमें देखो वी एम कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, वी एम बार एल बार, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। अब इधर देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा, कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू में, आई इज इक्वल टू में वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी था, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिवाइडेड बाय में ओमेगा, ओमेगा टी का डिवाइडेड बाय में ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वी एम, या कोस को अंदर जान दो माइनस साइन को भी, तो वी एम बाय ओमेगा एल इंटू में माइनस कोस ओमेगा टी। बोलो क्या कह रहे हो, टी का, टी के तो रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना भाई, तो ओमेगा टी का डिवाइडेड बाय में डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ओमेगा आएगा, कितना आता है, ओमेगा। इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, अगर यहीं पे डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो ये चीज किस में आती, मल्टीप्लाई में आती, तो फिर आता कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किस में आएगी, डिवाइड में, तो कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। अब I की वैल्यू कितनी आ गई, वी एम अपॉन ओमेगा एल माइनस कोस ओमेगा टी। अब ये I किस में है, कोस में आ रहा है, V किस में है, साइन में। कंपेयर करना है तो भाई दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो मुझे पता है, इधर देखो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, कितना होता है, कोस थीटा। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, इसको मैं लिख देता हूं साइन थीटा माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। तो अभी मेरे पास है क्या इक्वेशन में, इक्वेशन में मेरे पास माइनस कोस ओमेगा टी, तो माइनस कोस ओमेगा टी मतलब थीटा ही सही क्या है, ओमेगा टी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, थीटा कितना है, ओमेगा टी माइनस 90 को क्या बोलते हैं, पाई बाय टू। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आ जाएगा वी एम बाय ओमेगा एल इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यस या नो, रेजिस्टेंस के केस में वी एम बाय आर को क्या लिखा था मैंने, आई एम। यहाँ पे वी एम बाय ओमेगा एल को क्या लिखूंगा, आई एम। वी एम बाय ओमेगा एल को कितना लिखूंगा, आई एम। ओमेगा एल को क्या लिखते हैं, ओमेगा एल को लिखते हैं एक्सएल। क्या लिखते हैं, एक्सएल। एक्सएल का मतलब इंडक्टिव, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब जो इंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस होता है उसको किसे नोट करते थे, आर से। जो इंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है उसको किसे नोट करते हैं, एक्सएल से। और एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा इनटू में एल के। तो एक्सएल को बोलते क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू में आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की। और वी कितना था, वी एम साइन ओमेगा टी। अब मैं बात करूं दोनों के एंगल डिफरेंस की, तो एंगल डिफरेंस कितना है दोनों में, पाई बाय टू। तो एंगल डिफरेंस कितना हो जाएगा, एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस को और क्या बोलते हैं, एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस को और क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाए बाय, समझ आया ना, एंगल डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाए बाय टू। रेजिस्टेंस के किस में कितना आएगा, जीरो आएगा। रेजिस्टेंस के इसमें कितना आया था, जीरो। अब देखो हमने क्या निकाल दिया, वी और आई में रिलेशन, अब एंगल डिफरेंस निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। पहले इसको जोट डाउन कर लो, वोल्टेज कितना आया, वी एम साइन ओमेगा टी, आई कितना आया, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब देखो आई वाले एंगल में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्या होएगा, पीछे होएगा। करंट क्या होएगा, पीछे। दो वर्ड होते हैं मेरे भाई, एक होता है लैग और एक क्या होता है, लीड। लैग का मतलब क्या होता है, पीछे, लीड का मतलब क्या होता है, आगे। आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, मतलब एंगल में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कम। तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड नहीं, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लैग मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कहाँ आएगा, पीछे। ये कितना, अभी एक चीज होता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू बढ़ा है या ओमेगा टी बढ़ा है, जो बढ़ा है वो आगे होएगा। तो ओमेगा टी मतलब वोल्टेज में, तो वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। करंट क्या कर रहा है, लैग। तो क्या लिख सकते हो आप, वोल्टेज लीड बाय करंट बाय एंगल, बाय एंगल पाई बाय टू। और क्या लिख सकता हूं मैं, करंट, करंट लैग, क्या लिख सकता हूं, लैग। लैग का मतलब करंट क्या है, पीछे है, किससे, वोल्टेज से, किससे पीछे है, वोल्टेज से, कितने एंगल से, पाई बाय टू से। समझ आ गया, आया ना, लैग और लीड का मतलब समझ। लैग का मतलब क्या हुआ, पीछे, लीड का मतलब क्या हुआ, आगे। कोई भी चीज पीछे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैग। कोई भी चीज आगे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीड। क्या बोलेंगे, लीड। अब हमने वी और आई में रिलेशन निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर निकालते हैं, देखो एवरेज पावर। तो पावर का फॉर्मूला बताया था अभी, एक और क्या होता है, वी इंटू में आई, वी की वैल्यू कितनी निकली है, वी एम साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू कितनी है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पावर का, किसका आ गया, पावर का। इस फॉर्मूले को मैंने किस में कन्वर्ट किया था, कोस से साइन में कन्वर्ट किया था, इसको वापिस से कोस में लिख रहा हूं। तो वापिस से कोस में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आई एम कोस ओमेगा टी, यस या नो। ये ब्रैकेट में रख दिया, और इधर क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो पावर का फॉर्मूला ये आ गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, और टू से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी एम आई एम टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू। क्लास टेंथ में ये फॉर्मूला पढ़ा था, टू साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा के। मतलब इसको टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन टू ओमेगा टी, हाई है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वी एम आई एम डिवाइडेड बाय टू साइन टू ओमेगा टी। तो अब क्या निकालना है, बट एवरेज पावर क्या निकालना है, तो एवरेज पावर का सिंबल ये हो गया। और क्या लिख सकता हूँ P के ऊपर, बार, और क्या लिख सकता हूँ, P एवरेज। तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वी एम आई एम डिवाइडेड बाय टू साइन टू ओमेगा टी। तो एवरेज पावर कितनी आ गई, माइनस वी एम आई एम डिवाइडेड बाय टू बाहर, अंदर एवरेज किसकी वैल्यू निकलेगी, साइन टू ओमेगा टी की। और साइन टू ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, साइन टू ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है, जीरो। तो ये कितना हो गया, जीरो। जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो एवरेज पावर कितनी आ गई,
जीरो आ गई, कितनी आ गई जीरो। अब मेरी बात सुनो, रेजिस्टेंस केस में एवरेज पावर कितनी आई थी, आई एम स्क्वायर आर बाय टू, वहां पे क्या था साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, क्या था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है वन बाय टू, यहाँ पे कितना है साइन टू ओमेगा टी, तो एवरेज वैल्यू साइन टू ओमेगा टी की कितनी होती है जीरो, तो एवरेज पावर इन इंडक्टिव सर्किट कितना आ गया जीरो आ गया, कितना आ गया जीरो। हमने वीआई रिलेशन निकाल लिया, एवरेज पावर निकाल ली, अब क्या बनाएंगे फेजर डायग्राम, क्या बनाएंगे फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम किसका बना रहे हैं एसी सोर्स सब किससे कनेक्टेड है इंडक्टर से, किससे कनेक्टेड है ये देखो वी कितना है वीएम साइन ओमेगा टी, आई कितना निकला है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ओमेगा टी जब जीरो होएगा मतलब वी का तो ग्राफ सेम ही बनेगा कोई सा भी केस हो, तो किसका हो गया वी का, ये क्या हो गया प्लस वी एम, ये क्या हो जाएगा माइनस वी एम, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे ओमेगा टी कितना है जीरो। अब आई के केस में जब ओमेगा टी जीरो होएगा तो ये जीरो हो गया, तो साइन कितना बचेगा साइन माइनस पाई बाय टू, क्या बचेगा साइन माइनस पाई बाय टू, साइन माइनस पाई बाय टू कितना होता है साइन माइनस पाई बाय टू कितना होता है माइनस वन, यहां से स्टार्ट होएगा, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा ऐसा, यहाँ पे ये कितना हो गया प्लस का आई एम, तो ये क्या हो गया माइनस का, देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है ना, जब ओमेगा टी जीरो है तो यहाँ पे माइनस पाई बाय टू, तो ग्राफ ये कहाँ से यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्या करना है किसी ये लाइन किसकी होती है ओमेगा टी की, किसकी होती है ओमेगा टी की, मेरे को क्या पॉइंट करना है किसी एंगल ओमेगा टी वन पे, किसी एंगल ओमेगा टी वन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, ऊपर ड्रॉ किया तो किस पे कट किया वोल्टेज पे, नीचे ड्रॉ करूंगा तो किस पे कट करेगा करंट पे, अब दोनों की पैरेलल लाइन खींच लो, पैरेलल लाइन खींच दी, ये किसके लिए हो गई करंट के लिए और ये किसके लिए हो गई वोल्टेज के लिए, ठीक है, वो एंगल कितना लिया है ओमेगा टी वन, तो मतलब वी इक्वल टू कितना हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी वन, तो ये V का बना दिया, ये एंगल कितना हो गया ओमेगा T1, तो ये क्या कहलाएगा Vm sin ओमेगा T1, ठीक है, अब देखो ओमेगा T1 आएगा भाई कहाँ T1 आएगा ना, ओमेगा T1 एंगल पे बात कर रहा हूँ, तो ओमेगा T1 आएगा, अब I और V में एंगल डिफरेंस कितना था पाई बाय टू, एंगल डिफरेंस कितना था पाई बाय टू, एंगल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ वैल्यू होती है, तो एंगल डिफरेंस कितना था पाई बाय टू, तो आई कहाँ आएगा नीचे, आई कहाँ आएगा नीचे, और आई और बी में जो एंगल होएगा वो कितना होएगा पाई बाय टू 90 डिग्री, कितना होएगा ये किसका हो गया बी का और ये किसका हो गया आई का, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी वन माइनस पाई बाय ओमेगा T1 माइनस पाई बाय टू, यस या नो, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा T1 माइनस पाई बाय टू, ये क्या आ गया फेजर डायग्राम, किसका आ गया फेजर, कब जब कैपेसिटर इंडक्टर का, कौन से केस में एसी सोर्स किससे कनेक्टेड है इंडक्टर से, बात समझ आई नहीं, नीचे से स्टार्ट किया सेम चीज किया, रेजिस्टेंस में दोनों ऊपर से थे, किसी एंगल ओमेगा T1 पे किया, अब ये जो एंगल है इसका मतलब क्या है 90 डिग्री, इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहूँ तो मैं इसे छोटा सा ही बना सकता हूँ, ये एंगल होगा ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री, कर लो ये क्या पढ़ लिया इंडक्टर, अब एसी वोल्टेज अप्लाइड हुआ कंडक्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कंडक्टर,
तीन पढ़ने थे, एक क्या पढ़ना था, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर। ठीक है, तो एसी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं हम किससे, कैपेसिटर से। किससे कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर। वी कितना होएगा, Vm साइन ओमेगा टी। वी कितना होएगा, Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू में Q बाय वी। C इक्वल टू कितना होता है, Q बाय वी। 10 बार बोलोगे लिखना नहीं है। C इक्वल टू कितना होता है, Q बाय वी। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू में V। मुझे निकालना क्या है, करंट। करंट का फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डी क्यू बाय डी टी के। I किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाय डी टी के। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, C इंटू वी। वी की वैल्यू पुट कर दो, वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पुट कर दो, डी बाई डी टी। Q की वैल्यू कितनी होगी, C वी एम साइन ओमेगा टी। तो कितना आ जाएगा ये, I इज इक्वल टू में C कॉन्स्टेंट है, वी एम भी कॉन्स्टेंट है बाहर, अंदर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। क्या होता है, कोस ओमेगा टी। वहां पे इंटीग्रेशन कितना होता था, माइनस कोस होता था। क्या होता था, माइनस कोस। वहां पे ओमेगा टी का किया था तो डिवाइडेड में क्या लिखा था, ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा टी का करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, ओमेगा। तो ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय में ओमेगा। तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू में वी एम ओमेगा इंटू में सी कोस ओमेगा टी। यस या नो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू में वी एम ओमेगा सी को ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन में ओमेगा सी। वन अपॉन ओमेगा सी है, ऊपर ही तो जाएगा भाई, इसको मैं नीचे लिख लिया, कोस ओमेगा टी एज इट इज। ठीक है, वहां पे वी एम बाई क्या आया था, ओमेगा एल आया था। क्या आया था, ओमेगा एल। देखो ना, यहाँ पे क्या आया था, Vm by omega L। omega L को क्या लिखा था मैंने, XL। omega L को क्या लिखा था, XL। यहाँ पे क्या है, वन अपॉन में omega C। वन अपॉन omega C को क्या लिखूंगा मैं, XC। XC का मतलब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। और क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एम अपॉन में XC इंटू में कोस ओमेगा टी। बट अभी I किस में आ रहा है, कोस में, मेरे को किस में चाहिए, साइन में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू में वी एम बाय XC इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। तो मैंने कोस थीटा क्या लिख लिया, साइन 90 प्लस थीटा। तो अब देखो, तो आई किसके बराबर आ गया, आई इज इक्वल टू आ गया आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और आई एम क्या हो गया, Im किसके इक्वल हो गया, Vm by XC के। Im किसके इक्वल हो गया, Vm by XC के। हाय है ना, ठीक है। अब देखो, I ये आ गया, V कितना था, Vm sin omega t। तो यहाँ पे एंगल कितना है, omega t। यहाँ पे कितना, omega t plus pi by 2। तो एंगल डिफरेंस कितना हो गया, pi by 2। कितना हो गया, एंगल डिफरेंस को और क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। कितना आ गया, पाई बाय 2 आ गया। कितना आ गया, पाई बाय 2। अब देखो, अब यहां पे क्या है, करंट में प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है मतलब आगे है, आगे का मतलब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, लीड। वोल्टेज का है, पीछे है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग। किस, कौन सा केस है ये, कैपेसिटर का। इंडक्टर में उल्टा होता था,
इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता थी, लीड करती थी, करंट क्या करता था, लैग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, करंट लीड बाय वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय टू। और क्या लिख सकता हूं, करंट वोल्टेज वोल्टेज लैग बाय करंट बाय एंगल पाई बाय टू। एंगल डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाय टू है। एंगल डिफरेंस कितना है, पाई बाय टू। ठीक है, ये किस में रिलेशन निकल गया, वी और आई में। करो जोट डाउन, रिलेशन निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। एवरेज पावर सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू में वी आई। वी कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी। आई एम आई कितना, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एम कोस ओमेगा टी और वी एम साइन ओमेगा टी पी। वही टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से क्या कर दिया, डिवाइड। टू साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन टू थीटा के। तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया, वी एम आई एम साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाय टू। हाँ, तो एवरेज पावर निकाल लिया, तो एवरेज वी एम आई एम डिवाइड बाय टू साइन टू ओमेगा टी। तो वी एम आई एम बाय टू क्या आ जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा, साइन टू ओमेगा टी। अभी लास्ट केस में मैंने साइन टू ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू बताई थी, कितनी होती है, जीरो। तो एवरेज पावर कितनी आ गई, जीरो आ गई। एवरेज पावर कितनी आएगी, जीरो। वी आई में रिलेशन हो गया, एवरेज पावर होगी। अब क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ठीक है। वी कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी। आई कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये किसकी लाइन होती है, ओमेगा टी की। ये किसका ग्राफ हो गया, वी का। तो दिस इज प्लस वी एम, दिस इज माइनस वी एम। अब देखो, आई में पिछले वाले केस में क्या था, माइनस पाई बाय टू, तो क्या था, तो कहां से स्टार्ट हुआ था, नीचे से। अब ओमेगा टी जीरो होएगा तो क्या आएगा, प्लस पाई बाय टू। कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से। तो ये ऊपर से स्टार्ट कर लो, कर दिया, ठीक है। किसी एंगल ओमेगा टी वन पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, और वोल्टेज को यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। पहले किसका बनाओगे, वोल्टेज का। तो वोल्टेज का एंगल कितना लिया, ओमेगा टी वन। तो ये कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी वन। ये किसका हो गया, वी। तो ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी वन। अब देखो करंट क्या कर रहा है, लीड। करंट क्या कर रहा है, किससे, वोल्टेज से। कितने एंगल से, पाई बाय टू से। तो करंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ तक। ये करंट की लाइन थी ना, और ये एंगल बीच में कितना हो जाएगा, पाई बाय टू। कितना हो जाएगा, वहां पे लैग कर रहा था तो इसलिए कहा था नीचे, और बीच में एंगल कितना था दोनों के, पाई बाय टू। अब क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो बीच में एंगल कितना होएगा, पाई बाय टू। तो इस आई की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी वन प्लस पाई बाय टू। यस या नो, आगे ना समझ, करंट लीड कर रहा है तो इसलिए करंट का कहां बना है, आगे। पिछले केस में करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। करंट क्या कर रहा था, करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। तो अभी भी बीच में बड़ा एंगल कितना है, पाई बाय टू। पहले वोल्टेज का बना लिया, अब लीड कर रहा है तो आगे बनाओगे, लैग कर रहा है तो कहां बनाओगे, पीछे बनाओगे। करो, तो हमने तीन डेरिवेशन करे,
एसी सोर्स किससे कनेक्ट था? रेजिस्टेंस से। एके में किससे कनेक्ट था? इंडक्टर से। और एक में किससे कनेक्ट था? कैपेसिटर। रेजिस्टेंस केस में ओम्स लॉ का यूज किया था, दैट इज वी इज इक्वल टू में आई आर। वी की वैल्यू कितनी निकली थी? वी एम साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू निकली थी? वी की। और आई की वैल्यू कितनी निकली थी? आई एम साइन ओमेगा टी। ये किसकी निकली थी? आई की। ठीक है, एवरेज पावर कितनी निकली थी? आई एम स्क्वेयर आर डिवाइड बाय टू। दोनों का एंगल डिफरेंस कितना था? जीरो। एंगल डिफरेंस कितना था? एंगल डिफरेंस को और क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना था? जीरो। मतलब V अगर इधर है तो आई वी किधर ही होएगा? इधर ही होएगा। दोनों का एंगल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। इंडक्टर में L, इंडक्टर की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? एल डी आई बाय डी टी। यहां से V कितना निकला था? वी एम साइन ओमेगा टी। ये तो सेम ही है तीनों केस में। I कितना निकला था? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो एवरेज पावर कितनी निकली थी? जीरो। एंगल डिफरेंस कितना हुआ था? एंगल डिफरेंस कितना हो गया था? अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं फेज डिफरेंस। एंगल डिफरेंस कितना हो गया था? पाई बाय टू। तो करंट में क्या है? माइनस का साइन है, तो करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रही है? लीड। करंट क्या करता है? लैग। वोल्टेज क्या करती है? लीड करती है। ठीक है, लास्ट केस कैपेसिटर। कैपेसिटर केस में हमने क्या फॉर्मूला किया था? C इज इक्वल टू में क्यू बाई वी। यहां से हमने देख लिया था करंट किसके इक्वल होता है? डी क्यू बाय डी टी के। यहां से Q की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी थी। और यहाँ पे एक और चीज बताऊ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होता है? R। यहाँ पे जो इंडक्टर केस में रेजिस्टेंस था वो कितना था? XL। कितना था? XL। और XL किसके इक्वल था? ओमेगा इंटू में L के। ओमेगा इंटू में L, W नहीं है ये। XL इंटू में XL किसके इक्वल था? ओमेगा इंटू में L के। ऐसे यहाँ पे निकाल लो। V कितना था? सेम Vm sin ओमेगा T। I कितना था? Im sin ओमेगा T प्लस पाई बाय टू। एवरेज पावर यहाँ पे भी कितनी निकली थी? जीरो। एंगल डिफरेंस कितना आया था यहाँ पे? पाई बाय टू। अब देखो करंट में क्या है? प्लस का है, तो करंट क्या कर रहा है यहाँ पे? लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? लीड। वोल्टेज क्या कर रही है? लैग। कितने एंगल से कर रही है? पाई बाय टू से। यहाँ पे भी कितने एंगल से कर रही है? पाई बाय टू से। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता था? एक्ससी। कितना होता था? एक्ससी की वैल्यू कितनी होती थी? वन अपॉन में ओमेगा सी। एक्ससी की वैल्यू कितनी होती थी? वन अपॉन में ओमेगा सी। अब देखो करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। अगर मैंने ये वोल्टेज बनाया तो करंट कहाँ आएगा? नीचे। इन दोनों के बीच एंगल कितना? पाई बाय टू। ये मैंने वोल्टेज बनाया तो करंट कहाँ आएगा? ऊपर, क्योंकि करंट क्या कर रहा है? लीड। अब देखो वोल्टेज तो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि दोनों सब में वोल्टेज क्या है? सेम। यहाँ पे आई एंगल डिफरेंस जीरो था, यही रहा है। यहाँ पे माइनस पाई बाय टू था, नीचे चला गया। वहां पे लीड कर रहा था, प्लस पाई बाय टू था, कहाँ चला गया? ऊपर। ये तीनों चीज याद होना चाहिए, पूरा हो गया ये। आगे समझ में, ये तीनों डेरिवेशन हो गया आपके किसके? एसी सोर्स किस किस से कनेक्टेड है? रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, इंडक्टर से कनेक्टेड, और किससे कनेक्टेड है? कैपेसिटर से। इसको जो डाउन कर लो बस एक पे।